मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है बोल्ड स्काई। छठ का त्योहार आ गया है और छठ के त्योहार के दिन डाला छठ का पर्व 4 दिनों का होता है। आज हम बताएंगे इस पर्व के महत्व और मुहूर्त के बारे में। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ ये पर्व होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगले दिन ये उपवास आरंभ होता है। व्रत रखने वाला दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करता है, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्ध अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्ध देकर व्रत का पारण किया जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाई जाती है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। ये दाल चने की होती है। लोहंडा और खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाता है। संध्या अर्ध। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को दिन के छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, बनाया जाता है। चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्ध का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध देने घाट पर जाते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्ध दान करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्ध दिया जाता है। छठ मैया की प्रसाद भरे सूप में पूजा की जाती है। उषा अर्ध। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्ध दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने पूर्व संध्या को अर्ध दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति की जाती है। सभी व्रती तथा श्रद्धालु घर वापस आते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, के पास जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। चलिए आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त। षष्ठी तिथि प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 9:37 पर शुभ मुहूर्त है। षष्ठी तिथि समाप्ति 26 अक्टूबर को शाम 12:15 से मुहूर्त है। छठ पूजा 2017 मुहूर्त समय। छठ पूजा के दिन सूर्योदय 6:41 शुभ मुहूर्त है और छठ पूजा के दिन सूर्यास्त 6:05 शाम। तो ये है शुभ मुहूर्त और विधि। बोल्ड स्काई का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।